पी चिदम्बरम के परिवार पर इनकम टैक्स की चार्जशीट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। ट्वीट कर अमित शाह ने बताया कि अब समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिर काले धन पर यूपीए सरकार ने एसआईटी क्यों नहीं बनाई थी। अमित शाह ने लिखा है कि पी चिदम्बरम और उनके परिवार के खिलाफ विदेश में कई अवैध संपत्ति और खाते रखने के आरोप में ब्लैक मनी एक्ट के तहत 444 शीट दाखिल की गई है। इनकम टैक्स का अनुमान है कि यूपी सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम की $3 अरब मतलब 20,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां हैं 14 देशों में। जो ये बताता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री ने एसआईटी गठन पर अपने पैर क्यों पीछे खींच लिए थे, वो अपनों पर आरोप कैसे लगा सकते थे। क्या ट्वीट किया अमित शाह ने वो दिखाते हैं आपको। अमित शाह ने लिखा है कि कालेधन पर राहुल गांधी का मौन व्रत क्यों। कालाधन कानून के तहत पी चिदम्बरम और उनके परिवार के खिलाफ विदेशों में कई अवैध संपत्ति और खाते रखने के आरोप में चार चार्जशीट दाखिल की गई है। इनकम टैक्स का अनुमान है कि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम की $3 अरब की अवैध संपत्ति है। इसका मतलब हुआ 20,000 करोड़, लगभग 20,000 करोड़ की अवैध संपत्ति। जो ये बताता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एसआईटी के गठन पर अपने पैर क्यों खींच लिए थे, वो अपनों पर आरोप कैसे लगा सकते थे। ये ट्वीट किया गया अमित शाह की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के अध्यक्ष, जो खुद बेल पर बाहर है, फिनेंशियल मिसकॉन्डक्ट शायद उनके तरफ से जो नेशनल हेराल्ड के केस में हुई है, ऐसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो खुद बेल पर हैं, वो इसके ऊपर जांच करेंगे। क्या इसके ऊपर उनके तरफ से कुछ टिप्पणी आएगा। और चिदम्बरम के बहाने राहुल गांधी पर सवाल उठे तो कांग्रेस बचाव में उतर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। कर्नाटका चुनाव के दौरान रोज खबर आती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर रहा है कर्नाटका। एक खबर आप मुझे बता दीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कैंडिडेट या नेता के घर पर या किसी ठिकाने पर कोई रेड या कोई छापा मारा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में तो हम आपको बार बार कहते आए हैं, ये एक बड़ा पिंजरा आ गया इस सरकार के पास, उसमें कई तोते कौवे भर दिए हैं।